हेलो गाइज, वेलकम टू आर एन एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर एन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बताऊंगा। बच्चों, आप शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिएगा। बच्चों देखिए, बच्चों इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में दिया है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट फाइव और प्लस अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट फाइव। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको कैसे करना होगा, हम इसको आपको शॉर्टकट मेथड में बता रहे हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, इसका फार्मूला होगा, जैसे आपको दे दिया है ए प्लस बी सोल्यूशन है आपका। सोल्यूशन क्या होगा, ए प्लस बी और a माइनस बी प्लस a माइनस बी और a प्लस बी का इसका फार्मूला होता है 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बच्चों हमको क्या करना होगा कि अंडर रूट सिक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर हमने किया तो क्या होगा, अंडर रूट में अंडर रूट सिक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। इसी तरह से अंडर रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, फाइव हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टू लिखेंगे और यहाँ पे अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर अभी हमने बताया तो सिक्स हो जाएगा और सिक्स और प्लस फाइव प्लस फाइव और इसका जब अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो सिक्स हो जाएगा और सिक्स में से फाइव घटा देंगे तो वन हो जाएगा। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के प्लेस पे हमको क्या रखना है, अंडर रूट फाइव। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर होगा टू और ए इलेवन हो जाएगा और बाई वन होगा और ये हो जाएगा 22। तो ये 22 इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 22 इसका आंसर आएगा। फिर एक बार देख लीजिए इसमें क्या करना होता है कि अंडर रूट ए के जगह पे आपको क्या लिखना है, अंडर रूट सिक्स लिखना है और बी के जगह पे क्या लिखना है, अंडर रूट फाइव लिखना है और इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अब ए के प्लेस पे जब हम रखेंगे अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर तो हमारा क्या होगा, अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स हो जाएगा और बी के जगह पे अंडर रूट फाइव का स्क्वायर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए बराबर इसको लिख लीजिए और यहाँ पे बी बराबर लिख लीजिए। तो इस तरह से हमने आपको बी बराबर अंडर रूट फाइव है तो ये ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पे बी स्क्वायर लिख दीजिए। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और टू सिक्स प्लस फाइव इलेवन हो जाएगा और सिक्स अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर तो सिक्स हो गया और फिर अंडर रूट फाइव का स्क्वायर फाइव हो जाएगा। तो सिक्स में से फाइव घटा देंगे तो वन आएगा और टू में इलेवन से करेंगे तो 22 आएगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी बच्चों जी कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जितने भी मेरे ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी के मंगल में भविष्य की कामना करता हूं। आप लोग जीवन में हमेशा प्रसन्न रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। आप मेरे आर एन एजुकेशन एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें, उस पर मैं क्लास 9 से लेकर के 12 तक मैथ का कोर्स प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो आप मेरे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और बच्चों आप लोग का सहयोग चाहिए और साथ चाहिए। बच्चों आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए बच्चों कि आपको यह क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ही एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही शॉर्ट कट मेथड है। बच्चों बहुत थोड़े से समय में फार्मूला लर्न होगा तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। गुड नाइट, थैंक यू वॉच द वीडियो।